बिहार हेल्थ केयर और देवी अहिल्या कैंसर पेन एंड पेरिवेटिव केयर सेंटर ने कैंसर के इलाज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की। दोनों संस्थानों ने मिलकर एक नए पेरिवेटिव केयर सेंटर की स्थापना की है, जो कैंसर के मरीजों के लिए विशेष देखभाल और राहत प्रदान करेगा। राजधानी दिल्ली में खुला यह 50 बेड का इलेक्ट्रो होम्योपैथी अस्पताल कैंसर से पीड़ित मरीजों को बिना कीमो, रेडिएशन और सर्जरी के दर्द और जलन से राहत दिलाने के लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से उपचार प्रदान करेगा। मुख्य अतिथि के रूप में आए ओम जैन ने कहा कि यह केंद्र कैंसर मरीजों के लिए समर्पित एक अनूठा प्रयास है। बिना किसी सर्जरी या कीमोथेरेपी के मरीजों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से एक किफायती और प्रभावी इलाज मिलेगा। यह कदम देश की राजधानी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। विशेष अतिथि के रूप में आए अनिल शास्त्री ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कैंसर के मरीजों के लिए ऐसा समर्पित केंद्र होना बहुत ही सराहनीय है। यह सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक संपूर्ण सहारा है, जो उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देगा। देवी अहिल्या कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर के संस्थापक डॉक्टर अजय हार्डिया ने कहा कि हमारा उद्देश्य इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से कैंसर मरीजों को उनके इलाज के दौरान बेहतर जीवन की दिशा में बढ़ाना है। हम बिना किसी दुष्प्रभाव के कैंसर के दर्द को कम करने और मरीजों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस नए केंद्र की घोषणा के मौके पर देवी अहिल्या कैंसर पेन एंड पैलिएटिव केयर सेंटर की मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा शर्मा, इन्होंने विशेष रूप से महिलाओं के कैंसर इलाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य है कि कैंसर से प्रभावित महिलाओं को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समर्थन प्रदान किया जाए। हर बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के माध्यम से हम उन्हें एक स्वस्थ और सशक्त भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर द्वारा ये दिल्ली में ये सेंटर स्टार्ट किया जा रहा है। उसका उद्देश्य ये है कि पूरे देश से इंदौर में मरीज इलाज करने आते हैं, परंतु दूरी की वजह से जो मेटास्टेटिक मरीज होते हैं वो नहीं आ पाते हैं, तो ये इसका हमने यहाँ चयन किया है। और यहाँ पर ऐसे मरीजों का हम इलाज करेंगे जहाँ पे एलोपैथी बोलता है कि इलाज संभव नहीं है, उस स्टेज में हम मरीज का ट्रीटमेंट करेंगे, उसकी तकलीफ कम करेंगे, उसकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करेंगे। और हमारा जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रोपैथी से वो पैलिएटिव के साथ में क्यूरेटिव भी है, तो दोनों ही यहाँ पे इलाज किया जाएगा कि मरीज स्वस्थ भी हो जाए पूर्ण रूप से। वास्तव में इस हिंदुस्तान में कैंसर के मरीजों की संख्या बहुत द्रुत गति से बढ़ती जा रही है, तो इलाज भी हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत महंगा है। लेकिन ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से कम खर्चे में मरीज की इलाज हो रहा है और गंभीर से गंभीर मरीज को भी अपना जीवन जीने का आगे समय मिल रहा है, समय बढ़ रहा है। इसलिए इस आज के इस दिन इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी की विधा से कैंसर के मरीजों का राजधानी में भी इलाज हो, इसलिए यहाँ पर देवी अहिल्या कैंसर केयर सेंटर ने सेंटर शुरू किया है। आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूँ कि उनकी सेवाओं का लाभ जरूर लें। सर, खर्चे की अगर बात करें तो लोगों को ये समस्या होती है, टेंशन होती है, खर्चा कितना होगा, तो क्या आप कहें सर कितने में लोगों का इलाज? सर, जो मुझे जानकारी वो यह है कि 6 महीने इलाज लेना पड़ता है, 25 से 30 हज़ार रुपये महीना का खर्चा होता है, और शुरू में 7 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ता है, उसका खर्चा 75 हज़ार रुपये होता है। ठीक है सर, दिल्ली में और भी योजना है कि आगे जाकर और भी सेंटर खुलेंगे? देखिए, जल्दबाजी में तो जवाब नहीं दिया जा सकता, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से सेवा का अवसर अगर इनको मिला और तो इसके ब्रांचेस और एक्सपांड हो सकती है। ठीक है, देखिए, हम लोग इंदौर में हमारा देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल चल रहा है, उसकी सफलता को हमने देखते हुए हम दिल्ली की तरफ हमने रुख किया है और हज़ारों पेशेंट हमारे इलेक्ट्रोमोपैथी ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। और हमारी ये कोशिश है कि इलेक्ट्रोमोपैथी पद्धति को हम जन जन तक पहुँचाएँ और उसी माध्यम को ध्यान में रखते हुए कि मरीजों को फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और ये इलाज ले सकें, इसलिए हम दिल्ली तक आए हैं। मैं आप ही के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये बात जो हम कर रहे हैं, जो हमारा पद्धति है, उस बात को हर जगह तक जाएगी अगर ये आवाज़ आप
आप लोगों के द्वारा अगर वहां तक जाएगी तो निश्चित हजारों सैकड़ों मरीजों को इसका फायदा होगा और कम पैसों में और बिना तकलीफों के, क्योंकि इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, कोई कीमो, कोई रेडिएशन, कोई सर्जरी हम लोग नहीं करते हैं और उसके मेडिसिन के द्वारा ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसका फायदा जन जन तक जाना चाहिए। स्टेज के बाद कैंसर को लाइलाज बीमारी माना जाता है, आप कैसे उसको इलाज करेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, हम लोग का जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, जब टाटा मेमोरियल बॉम्बे, दिल्ली और एम्स जैसे हॉस्पिटल जब पेशेंट को रिजेक्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि घर ले जाके सेवा करें, उस स्टेज पे हमारा काम शुरू होता है और उस स्टेज के पेशेंट्स को हम अपने हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद ट्रीटमेंट करते हैं और काफ़ी हद तक उसको राहत देते हैं, एक जीने की आस उसके अंदर जग जाती है। आप जानते हैं कि कैंसर नाम ही भयानक है, लोग इसका नाम भी नहीं लेना चाहते हैं और जब वो पेशेंट तो तकलीफ में है ही, उसके घर वाले उससे भी ज़्यादा तकलीफ में, क्योंकि घर बिक जाता है, ज़मीनें बिक जाती हैं और आदमी भी चला जाता है। तो उस स्टेज में जब हमारी ट्रीटमेंट चालू होती है और उनको जब राहत मिलती है तो निश्चित उनके अंदर एक आशा की किरण आती है और बहुत कम खर्चे में ये इलाज होता है। मैं दिल्ली सरकार से ये कहना चाहूँगी कि आप इस विधा को अपने में शामिल करें और वो जो आप योजनाएं चला रहे हैं, हजारों करोड़ों रुपया आप उस योजना में खर्च कर रहे हैं, वो थोड़ा सा हिस्सा अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए देंगे तो हमारे मरीज इसका लाभ ले सकेंगे और वो इलाज बेहतर करा सकेंगे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पिताजी को, जिनके आशीर्वाद की वजह से हम लोग ये सेंटर को शुरू कर पाए हैं। ये हमारी दूसरी ब्रांच है, एक हमारी ब्रांच पीरागढ़ी में भी है। इस हॉस्पिटल के अंदर 50 बेड से हॉस्पिटल शुरू किया है। हमारे पास इन हाउस फार्मेसी, डायलिसिस, ICU, इन हाउस डायग्नोस्टिक सब कुछ है। इसके साथ साथ अब हम लोगों ने देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है और इसके साथ हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम के साथ मरीजों को कैंसर रोग से भी निजात दिलाएंगे। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है, तो मैं बस यही कहना चाहूँगा, आइए इस कर्क रोग का निराकरण करते हैं आप लोगों के माध्यम से और आप इसका कारण बनिए कहीं ना कहीं इस कर्क रोग को समाप्त करने के लिए। NBC न्यूज़ के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।